सोलन के बाईपास पर शमलेश के समीप ओवरपास गिरने से कांग्रेस के निशाने पर भाजपा पूरी तरह से आ चुकी है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता कुशल जेठी ने भाजपा की कार्य प्रणाली पर प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा ने देश और प्रदेश की जनता को बड़े बड़े विकास के दावे किए हैं, लेकिन हिमाचल में विकास नहीं विनाश हो रहा है, जिसका खामियाजा सोलन की जनता को भुगतना पड़ रहा है। परमाणु से सोलन तक बन रहे फोर लेन से जहां सैकड़ों लोग प्रभावित हुए, वहीं अवैज्ञानिक ढंग से कट रहे पहाड़ों ने लोगों का जीवन लीलना आरंभ कर दिया है। बाईपास का ओवरपास ढहने से 3 जिंदगियां जाने से बची हैं, जिसके जिम्मेदार केंद्र और प्रदेश सरकार है। प्रदेश प्रवक्ता कुशल जेठी ने कहा कि ओवरपास ढहने का एक ही कारण नजर आता है कि कार्य में गुणवत्ता नहीं है। यही वजह है कि परमाणु से लेकर सोलन तक जगह जगह सड़कें ढह रही हैं। सड़कों की बदहाली की वजह से रोज सड़कों पर दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। जो केंद्र में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जो विकास की बात करते हैं, और हिमाचल प्रदेश में श्री जयराम ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश की विकास की बातें हैं, ये सबके जनता के सामने आ गई। ये विकास नहीं विनाश है। ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारे समय में जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार होगा, मुझे लगता है ये भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना है। अभी इसको बने हुए कुछ ही वर्ष हुए हैं नेशनल हाईवे को, और आप देख सकते हैं कैसी स्थिति है। ये जनता की जो जान की कीमत के ऊपर ये नेशनल हाईवे बने, और मुझे लगता है कि अभी ये एक ही जगह से सड़क गिरी है। अब आप अगर परमाणु से चलो सोलन तक, जो भी फोर लेन का उद्घाटन भी हो चुका है, आप उसका जो एक साइड पहाड़ी वाला हिस्सा है वो बरसातों में तो ब्लॉक ही रहता है। तो इतने हजारों करोड़ रुपये लगाने के बावजूद भी अगर इंसान का सफ़र जो है सुविधाजनक नहीं हुआ, और जान जोखिम में डाल के अगर सफ़र तय करेगा, तो मैं समझता हूँ कि ये इसको विकास नहीं हम कह सकते, इसको हम विनाश की श्रेणी में ला सकते हैं। नेगलिजेंसी है ना प्रशासन की, सरकार की, और मुझे लगता है ये ठेकेदार सरकारों के साथ मिले हुए हैं। जैसे मैं पहले कहता हूँ कि ये ठग ठेकेदार दलालों की सरकार है। जितना पैसा इसके ऊपर खर्च किया गया, वो पैसा उसके ऊपर लगा नहीं है, प्रॉपर तरीके से लगा नहीं है। सिर्फ ऊपर से लीला पोती कर दी गई, सड़कों को काला कर दिया गया, वाइट पट्टी लगा दी गई और उसका उद्घाटन कर दिया, लेकिन अंदर से वो खोखली है। और ये आने वाले कई वर्षों तक मुझे लगता है कि ये दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहेगी। और आम आदमी क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, तो सड़क में चलते नहीं है। आम आदमी सड़क में अपनी कार में, बस में, टैक्सी में, टू व्हीलर में जाता है। आम आदमी की जान हमेशा हमेशा अटकी रहेगी, और उसके घर वाले जब तक वो घर नहीं पहुंच जाएगा तब तक वो इसके इंतजार करते रहेंगे, और उस इंतजार में वो ये सोचते रहेंगे कि दुख भरी खबर ना आए। और मुझे लगता है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। जो जनता का टैक्स पेयर का करोड़ों अरबों रुपया जो है लगाया जा रहा है सड़कों में, उसकी कृपया जाँच भी की जाए। और जो टेक्निकल आपके ऑफिसर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों नहीं देख रहे? टेक्निकल ऑफिसर्स का क्या मतलब होता है जब इतने पैसे लग रहे हैं, तो जाके जाँच क्यों नहीं करते कि जो काम हो रहा है वो ठीक ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या उसके ऊपर जो मटेरियल वो ठीक ढंग से लग रहा है कि नहीं लग रहा है।